हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आज आपको एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जो दिखाने आए हैं वो है प्रयागराज का खुसरो बाग। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। ये है मेन एंट्रेंस गेट, यहीं से हम एंटर करते हैं। तो ये अंदर का सीन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का खुसरो बाग का आप देख सकते हैं। ये रहा मेन एंट्रेंस गेट खुसरो बाग का। बाकी अंदर लेकर के चलते हैं आपको। खुसरो बाग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और चलिए अंदर चलते हैं। ये है जी कुछ साइड का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है मनोज दोस्तों। चलिए लेकर के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको खुसरो बाग। भी चलते हैं, देखते हैं ये क्या है दोस्तों। तो ये अंदर कुछ बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोस्तों नहाने का स्विमिंग पूल वगैरह। चलिए बाकी चलते हैं आगे, यहाँ से एक बार आपको पूरा व्यू दिखाते हैं ऊपर से। ये है दोस्तों खुसरो बाग, प्रयागराज का खुसरो बाग। तो इलाहाबाद सीरीज जारी है दोस्तों, जिसमें मैं इलाहाबाद की फेमस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसमें से एक खुसरो बाग भी है जो मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। अभी इधर चलेंगे, आपको इधर भी दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे खुसरो बाग। बाकी इसकी खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। बाकी अभी हम मेन एरिया में एंटर करते हैं दोस्तों। ये कुछ साइड का नज़ारा देख सकते हैं। ये आम का बगीचा टाइप है, इसमें सभी आम के पेड़ हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इधर से हम आए हैं। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको, खुसरो मॉन्यूमेंट दिखाते हैं अंदर। तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बिल्डिंग नहीं कह सकते उसे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं, यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। तो ये है जी खुसरो बाग का जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। बाकी ये साइड में हमको कुछ दिख रहा है दोस्तों, इसको चल के दिखाते हैं फिर है क्या ये।
ये कुआं टाइप लग रहा है दोस्तों, इसको एक्सप्लोर करते हैं चल के, क्या है अंदर, कुएं में पानी है या नहीं, कुआं कितना गहरा है, सब चल के अंदर देखते हैं। तो जी आप देख सकते हैं अंदर तो नहीं दिख पाएगा दोस्तों, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुआं बहुत गहरा भी है और इसमें पानी भी है बहुत। यहाँ से एक बार आपको पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये है खुसरो बाग जो आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है वहाँ पे, बाकी चलिए यहाँ से नीचे उतरते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो जी दोस्तों हम इसके जस्ट अपोजिट साइड आ गए हैं और इसका दूसरे साइड से व्यू दिखाएंगे आपको। बाकी बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है खुसरो बाग, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से कुछ इस प्रकार का भी बात है दोस्तों, बाकी आपको अभी थोड़ा पास से ले चल के दिखाते हैं। इस साइड में देख सकते हैं इधर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, अमरूद का बगीचा कह सकते हैं सब। अभी इसको दिखाएंगे उधर चल के, बाकी अभी आपको इधर खुसरो बाग की जो पहचान वो दिखा देते हैं। खुसरो बाग की जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटी है वो ये, और यहाँ पे कुछ सूचना लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ खुसरो बाग का हिस्ट्री है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं अंदर नहीं इसमें जा सकते हैं, सब कुछ लॉक्ड है, बाहर से जो देखना है देख सकते हैं। ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर तक इसमें जा सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं। बाकी जो भी है दिखा रहे हैं आपको बाहर से। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से जो हैं, इनमें अंदर जा सकते हैं, तो अंदर एंट्री नहीं है, सब तरफ से लॉक है, बाहर से ही इसकी ब्यूटी को हम देख सकते हैं, अंदर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बाकी जो भी है मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत जगह है। और इस जगह की जो अपनी ख़ास बात ये है, यहाँ आना बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पे कोई भी एक, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कुछ इसके हिस्ट्री है। बाकी आप देख सकते हैं लॉक है बिल्कुल, अंदर नहीं जा सकते। इसमें दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से डैमेज हो रहा है, तो इसलिए इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये सब हमारी हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी है कि हम इन प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को, जो कि हमारे इंडिया की पहचान है, उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। तो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का काम जारी है यहाँ पर।
अभी तैयारी है इसको फिर से जो वहाँ पे भी डैमेज हो रहा है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं इसमें, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता था। ये भी दोस्तों एक ऐसा लग रहा है नहाने का स्विमिंग पूल टाइप बना रहा होगा। ये बीच में नल भी लगी हुई है, फिलहाल काम करती या नहीं करती ये नहीं बता सकते। बाकी आप देख सकते हैं खुसरो बाग। आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा आप अगर इलाहाबाद में हैं या फिर आना चाहते तो इस जगह पर एक बार ज़रूर आएँ, खूबसूरत जगह है दोस्तों। एक बार मैं खड़े होकर के तीनों मॉन्यूमेंट्स, तीनों हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का जो है एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अभी चलिए इस बीच वाले मॉन्यूमेंट्स पे थोड़ा ऊपर तक चढ़ते हैं सीढ़ियों के माध्यम से और ऊपर से एक बार आपको व्यू दिखाने का कोशिश करते हैं। अभी हम इस पे चढ़ेंगे चल के ऊपर और एक बार आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पत्थरों के माध्यम से बना हुआ है। इसकी दीवारें देख सकते हैं आप, रेड कलर के स्टोन्स यूज हुए हैं इसकी बनावट में। चलिए चलते हैं इस पर, एक बार चढ़ते हैं ऊपर। मैं तो आपसे यही कहूँगा दोस्तों एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। तो जी हम ऊपर आ चुके हैं, तो जी हम ऊपर से आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा जी ऊपर से कंप्लीट व्यू दोस्तों, सब हम ऊपर खड़े हैं। बाकी अंदर अंदर से लॉक है भाई, दूसरे तरफ चलते हैं, नीचे उतरते हैं यहाँ से, चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर और अंदर। ये अब हम आ चुके हैं अमरूद के बगीचे में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। इधर से होते हुए हम थोड़ा और अंदर चलते हैं। बाकी ये रहा हमारा पीछे का सीन जिसको मैं अभी जस्ट दिखा करके निकला हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाकी इधर सब अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद की बाग है, बगीचा कह सकते हैं अमरूद का। खूबसूरत जगह है दोस्तों, एक बार आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे।
दोस्तों इस पार्क सॉरी इस खुसरो बाग में दोस्तों एंट्री जो है बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लगता अंदर आने का। शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। वैसे इसमें लिखा है टाइमिंग जो मैंने देखा उसमें सनराइज़ के टाइम ओपन हो जाता है और सनसेट के टाइम बंद हो जाता है खुसरो बाग, और तब तक आप जो है पूरा लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हैं आकर के। ये सामने जो है फव्वारा लगा हुआ है दोस्तों, ये शाम के टाइम में चलता है फव्वारा, आप देख सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, तो बाकी आगे जाने कोई मतलब नहीं है, जितना दिखा सकता हूँ आपको पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको तो मालूम है मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें कंप्लीट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सब कुछ दिखाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि कंप्लीट एक्सप्लोर करता हूँ हर एक चीज़ का दोस्तों। यहाँ दोस्तों पेड़ों की नर्सरी भी है, यहाँ से पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाए जाते हैं और यहाँ से पेड़ पौधे खरीद करके आप लेकर के जा भी सकते हैं छोटे छोटे पौधे। बाकी वो सामने हनुमान जी का मंदिर शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक कुआं भी है। हरियाली और सुंदरता को आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए गए यहाँ पे। जी खुसरो बाग में दूसरा कुआं है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गहरा है लेकिन कुआं सूख चुका है दोस्तों, इसमें पानी नहीं है। बाकी रहा मंदिर हनुमान जी वाला दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे ग्रुप स्टडी भी करते हैं, ये देख सकते हैं आप पढ़ने लिखने का भी कार्य इस पार्क में हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ग्रुप स्टडी हो रही है दोस्तों यहाँ पे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहाँ दूर भी देख सकते हैं यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो लोग नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी उद्देश्य से पढ़ाई की कर रहे हैं वो सभी लोग यहाँ आते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, तेज हवा ठंडी ठंडी है। अभी चलते हैं आगे, ये आम के पेड़ हैं आप देख सकते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ हैं आम के। बाकी ये जो सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर का, इसमें पौधे लगाए गए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि साइंस में पढ़ाया जाता है, वो प्लांट्स इनको ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू जो है पौधों को उगाया गया अंदर। चलिए ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्टडी कर रहे हैं लोग इसमें अंदर बैठ करके दोस्तों। बाकी एक फव्वारा है दोस्तों, एक यहाँ पर भी जो इवनिंग टाइम में स्टार्ट होता है, अभी तो स्टार्ट नहीं है फव्वारा, देख सकते हैं। कुछ खूबसूरत नज़ारा खुसरो बाग का दोस्तों यहाँ से दिख रहा है, देख सकते हैं।
तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। बाकी चलिए अभी वहाँ चलते हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, वहीं पे इस ब्लॉग को निकलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने लगभग आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन इसमें दोस्तों अगर कंप्लीट दिखाने की बात होगी तो वीडियो तो ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। तो देख लीजिए आप एक बार। और पर अब हम यहाँ से एग्ज़िट करने वाले हैं। जितना भी जो कुछ भी था इस खुसरो बाग के अंदर दोस्तों, वो हमने सब कुछ दिखाया आपको, ये आप देख सकते हैं। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। दोस्तों धन्यवाद।